आज डिस्कस करेंगे एनोडाइजिंग प्रोसेस के बारे में। एनोडाइजिंग प्रोसेस क्या होती है और ये कैसे की जाती है? तो एनोडाइजिंग जो प्रोसेस है, इसके अंदर जो हम प्रोसेस करते हैं वो एनोड के ऊपर की जाती है। तो इसलिए इसका नेम दिया गया है एनोडाइजिंग प्रोसेस, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो हम एनोड के ऊपर ही तैयार करते हैं। तो एनोड एनोडाइजिंग प्रोसेस है क्या? तो एनोड हम जो जनरली इसके अंदर लेते हैं, तो वो एल्युमिनियम के लिए जनरली इसका हम यूज़ करते हैं जो ये प्रोसेस है। तो एल्युमिनियम के ऊपर, जैसे एल्युमिनियम की कोई स्ट्रिप है, ये क्या है, अगर हम इसको कोरोजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, वियर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, मीन्स इसको हार्ड करना चाहते हैं, एब्रेशन रेजिस्टेंस इसको देना चाहते हैं, और अगर हम ईजिली इसको पेंट कर सकें और ईजिली इसके ऊपर कोई भी डाई हम इंसर्ट कर सकें, कोई भी पेंटिंग डाई इसके ऊपर कवर कर सकें, तो उसके लिए एनोडाइजिंग प्रोसेस की जाती है। एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीजन का कंबाइन होना उसके साथ, उसको हम बोलते हैं एनोडाइजिंग प्रोसेस। तो एल्युमिनियम है, इसके ऊपर अगर कोई ऑक्साइड की लेयर अगर हम क्रिएट कर दें, इसकी जो थिकनेस होती है वो हम अकॉर्डिंग टू जो इसके अंदर जो टाइमिंग है वो रख के, या अकॉर्डिंग टू जो हमारी इनका सॉल्यूशन है और जो हमारा टाइम है इन दोनों को, जो एनोड है और कैथोड है, कितने टाइम के लिए इनको इस हाइड्रोलिक सॉल्यूशन में रखना है। ये एसिड सॉल्यूशन होता है, मेनली हम लेते हैं H2SO4 का सॉल्यूशन, जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो अकॉर्डिंग टू जो कोटिंग है, तो इसकी वो हम कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये होता है कैथोड, ये है कैथोड और ये है एनोड। एनोड क्या है, जो एल्युमिनियम का पार्ट है जिसके ऊपर हमें ऑक्साइड लेयर जनरेट करनी है। तो ये एनोड जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है, और जो ये कैथोड है ये नेगेटिव से कनेक्ट है। ये इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जो कि हमने लिया है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसके अंदर क्या होता है, जब करंट हम प्रोवाइड करते हैं, इसके अंदर करंट देते हैं, तो जो करंट होता है इस जो आयंस को, जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके आयंस को तोड़ देता है, जो कि हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयंस के अंदर टूट जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयंस के अंदर। तो जो ऑक्सीजन आयंस हैं वो जाके एल्युमिनियम से कंबाइन हो जाते हैं, जो कि हमारा एनोड है। तो वो जब इससे कंबाइन होते हैं, तो जैसे एल्युमिनियम है तो उससे ऑक्सीजन कंबाइन होती है, ये है ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन के आयंस एटम्स जो उससे कंबाइन होते हैं, तो ये बनाती है दोनों मिलकर एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो जो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर है, इसके ऊपर जो बनती है वो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है। तो इसके ऊपर, एनोड के ऊपर जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट होगा जो ऑक्साइड लेयर का, उसको हम एनोडाइजिंग प्रोसेस बोलेंगे। और फिर ये प्रोसेस होने के बाद हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। उसको निकालने के बाद हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग लेयर वाली एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम के ऊपर परत होती है जो कि एनोडाइजिंग के कारण आती है। तो हम इसका यूज़ अब, इसको पेंट भी इजिली कर सकते हैं, तो अच्छा पेंट हम इस पर कर सकते हैं। हार्ड हो जाती है, मीन्स कोरोजन रेजिस्टेंस भी हो जाता है, वियर रेजिस्टेंस भी हो जाता है, एब्रेशन रेजिस्टेंस भी देता है, इंसुलेशन भी इसके अंदर इम्पार्ट हो जाता है। तो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो इसको हम एनोडाइजिंग प्रोसेस बोलते हैं कि एनोड के ऊपर वर्क करना। तो इसके लिए हम कोई और भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, जो हमें एनोड बनाना पड़ेगा और उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर इकट्ठा हो जाएगी, तो उस प्रोसेस को हम करके इसको कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इम्पार्ट कर सकते हैं, और फर्दर यूज़ के लिए भी, जैसे पेंट करना है, कोटेड करना है, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी एनोडाइजिंग प्रोसेस। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।